देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई कुछ नवाबों का खाना बनाते हैं आज, मतलब नवाबों का खाना कि बहुत ही प्यार से बना हुआ हो। नवाब खुद तो खाना बनाते नहीं थे, अब उनके खानसामे जो होते थे वो खाना बनाते थे, तो काफ़ी खाना इलैबोरेट होता था। अब वही खाना थोड़ा सा कम इलैबोरेट करके, लेकिन उसके साथ में जो फैनफेयर है, वो उसमें जो पूरी लज्जत है वो कैसे रहे, तो शुरुआत करते हैं नवाबी रान से। नहीं नहीं, नवाब साहब की रान से नहीं, मटन की रान। और ये जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जो मटन लें वो ज़्यादा बड़ी उसकी लेग नहीं होनी चाहिए, मटन लेग चाहिए आपको। चलिए इसको साफ कर लिया, और उसके बाद ये जो मटन है उसके अंदर जरा इस तरह से मैरिनेट करने के लिए क्या चाहिए, मैरिनेट करने के लिए चाहिए कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जो है वो किस काम आता है, बिल्कुल ठीक, कच्चा पपीता टेंडराइजर का काम करेगा, इसको गलाने का काम करेगा। नहीं तो जो मटन है उसको पकने में समय लगता है, इससे पकेगा भी जल्दी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप ग्रेट करके कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पेस्ट बना लें। लेकिन इसकी जो पेस्ट बनाएंगे वो बनाएंगे लहसुन और अदरक के साथ। और अब ये जो रान है इसके ऊपर नमक, फिर इसके ऊपर ये जो पेस्ट है। चलिए ये मेरे पास तेल, अब इसके अंदर ये प्याज, प्याज को पकाना है हमने। अब अदरक और लहसुन ये पेस्ट डाल देते हैं हम। चलिए और इसे साथ में पका लेते हैं। कुछ टमाटर चाहिए मुझे, तो टमाटर ले लेते हैं और टमाटर को काट लेते हैं ये इसके अंदर, और इसे मिक्स कर देते हैं। एक ट्रे तैयार करनी है हमने, ये अवन में डालने के लिए ट्रे। और अब ये जो मटन की लेग है इसको इसके अंदर, और ये मसाला इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये मसाला अभी तैयार नहीं हुआ है, ये मसाला अभी तो इसके अंदर ढेर सारे मसाले डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, उसके साथ साथ धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा, चलिए। और उसके साथ साथ इलायची पिसी हुई और गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसे हम जरा भून लेते हैं। और अब इसमें डालें ये दही, ये इसे मिक्स कर लेते हैं। बस जरा ये मसाला जो है दही में मिक्स भर करना है। अब जो गैस है बंद, और इस मसाले के अंदर हरा धनिया और सबसे ज़रूरी चीज़ नमक, नमक स्वाद अनुसार ये डाला, ये कर दिया मिक्स। और अब ये जो मसाला है ये रान के ऊपर, वाह। और अब ले लें ये एल्युमिनियम फॉइल और इससे इसे कर दें बंद। और अब इसे हम रख देते हैं अवन के अंदर, अवन गरम है। और ये लीजिए, देखिए 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसे रखा है पकने के लिए। अब कुछ जो है मटन बड़ी जल्दी गल जाते हैं, अगर अच्छा से मैरिनेट हुआ हुआ है तो घंटे भर में ही पक सकता है।
नहीं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा आप 1.5-2 घंटे इसको जरूर पकाएं। हाँ, पहले करीब 40-45 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद अवन को थोड़ा कर दें ठंडा। धीमी आंच पे, धीमी हीट पे जो मटन पकेगा वो एकदम सॉफ्ट एंड सुकुलेंट एंड जूसी, मतलब ऐसा कि नवाब साहब के अगर दांत ना भी हो तो भी खाया जा सके। इसी तरह से निकालें, पीसेस काटें, ऐसे पूरा का पूरा परोसें, ऊपर से डालें प्याज और परोसें इस नवाबी रान को। बढ़िया, टेस्टी, डिलिशियस, ढेर सारे खाने के लिए नहीं, सबके लिए है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। शाने रान, इसके लिए हमें चाहिए 1.25 किलो लैम्ब की लेग, 1 प्याज गोल कटी हुई और कुछ पुदीने के पत्ते। मैरिनेट के लिए 4 बड़े चम्मच कच्चे पपीते की पेस्ट, 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1.5 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार। मसाले के लिए 1/2 कप तेल, 6 प्याज कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 4 टमाटर कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 4 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। इसे बनाने के लिए आप रान को फोक की सहायता से गोद लें, फिर इसके ऊपर नमक, कच्चे पपीते की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट लगाकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक बेकिंग ट्रे पर तेल लगाकर इसके ऊपर रान को रखें। इसके साथ एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर भून लें। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें दही, कटा हरा धनिया और नमक डालकर मिलाएं। इस तैयार मसाले को रान के ऊपर डालें और इसे एल्युमिनियम फॉइल से ढककर प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं। इसके बाद इसे 140 डिग्री सेल्सियस पर करीब 1 घंटा और पकाएं, तो इसे परोसे गर्मा गर्म।